क्या सच में दिखती है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना स्पेस से, और हमारे पूर्वज बंदर थे ये कितना सच है? आज हम जानेंगे ऐसे ही फॉल्स फैक्ट्स। शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। सो लेट्स बिगिन। च्युइंगम डाइजेस्ट इन 7 ईयर्स। हमें हमेशा यही बताया जाता है कि च्युइंगम को निगलना नहीं चाहिए, नहीं तो इसे डाइजेस्ट करने में 7 साल लग जाते हैं, लेकिन ये मिथ है। च्युइंगम के इंग्रेडिएंट्स बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती और ये बॉडी से पास आउट हो जाती है। डॉग स्वेट्स बाय सेलिवेटिंग। डॉग अपनी जीभ से स्वेट नहीं करते। इतनी भागदौड़ के बाद कुत्ते जीभ बाहर निकालकर हांफते हैं और इससे स्वेटिंग का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कुत्ते उन एरिया से स्वेट करते हैं जहां उनकी बॉडी फर से कवर्ड नहीं होती, जैसे नोज और पो पैड्स। बनानास ग्रो ऑन ट्री। कहते हैं केले पेड़ पर उगते हैं, लेकिन केले पेड़ पर नहीं, ये एक पौधे पर उगते हैं। इस पौधे की ऊंचाई और बनावट से लोग इसे पेड़ समझ लेते हैं, लेकिन ये असल में एक पौधा है। अल्कोहल कीप्स यू वार्म। कई लोग ठंड में ये समझकर अल्कोहल पीते हैं कि ये उनकी बॉडी गर्म रखता है, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। अल्कोहल वैसोडायलेटर होता है, मतलब ये ब्लड वेसल्स को ओपन करता है, पर्टिकुलरली स्किन सरफेस के नीचे। ड्रिंक करने के बाद स्किन सरफेस पर ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, जिससे ऐसा लगता है कि बॉडी गर्म हो गई है। नेपोलियन वॉज शॉर्ट। नेपोलियन बोनापार्ट की शॉर्ट हाइट की वजह से कुछ टर्म्स नेपोलियन के नाम पर रखे गए, जैसे नेपोलियन कॉम्प्लेक्स, शॉर्ट मैन सिंड्रोम, नेपोलियन सिंड्रोम। लेकिन नेपोलियन की हाइट 5.7 एस्टीमेट की गई, जो कि एवरेज फ्रेंच मैन की हाइट से ज्यादा थी। वहीं कुछ हिस्टोरियंस नेपोलियन की हाइट 5.2 कहते हैं। दरअसल नेपोलियन को उनके इंपीरियल गार्ड के साथ देखा जाता था, जिसकी वजह से ये परसेप्शन बन गया कि नेपोलियन की हाइट कम थी, क्योंकि इंपीरियल गार्ड्स लंबे थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन फेल्ड मैथ्स। ये किस्सा बहुत फेमस है कि सर आइंस्टाइन मैथ्स में फेल हुए थे, लेकिन ये भी हॉक्स है, बल्कि उन्होंने स्कूल में हाई ग्रेड्स अचीव किए थे। इतना ही नहीं, इन्होंने 12 साल की उम्र से ही एलजेब्रा और यूसीडी लाइन ज्योमेट्री पढ़नी स्टार्ट कर दी थी, और इसी एज में इन्होंने इंडिपेंडेंटली पाइथागोरस थ्योरम भी डिस्कवर की। हैंड्स ऑफ ताजमहल वर्कर्स वर चॉप्ड ऑफ। ये बात आपने भी सुनी होगी कि ताजमहल को बनाने वाले करीब 20,000 मजदूरों के हाथ ताजमहल बनाने के बाद काट दिए गए थे, ताकि वे दोबारा ऐसी अमेजिंग कंस्ट्रक्शन ना कर पाएं। लेकिन ये सारी बातें फेक हैं। हिस्ट्री में ऐसा कोई सबूत नहीं मिल पाया है जो इस स्टेटमेंट को सही प्रूव कर सके। बुल हेट्स रेड। कहते हैं सांड को लाल कपड़ा दिखाने पर वह चिढ़ जाता है और उस कपड़े को चेस करने लग जाता है। दरअसल सांड कलर ब्लाइंड होता है, मतलब वह कलर्स में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, लेकिन वो फिर उस कपड़े के पीछे क्यों भागता है? सांड ही नहीं, अगर आप किसी और जानवर के आगे भी ये सब करेंगे तो वो चिढ़ेगा ही। थॉमस एडिसन इन्वेंटेड बल्ब। अगर आपको पूछे हु इन्वेंटेड द फर्स्ट बल्ब, तो आप कहेंगे थॉमस एडिसन। लेकिन थॉमस एडिसन पहले ऐसे शख्स नहीं थे जिन्होंने बल्ब की खोज की, बल्कि ब्रिटिश साइंटिस्ट वॉरेन डी लॉरा ने सबसे पहले बल्ब बनाया था, जिसमें उन्होंने प्लैटिनम का यूज किया। लेकिन ये हाई कॉस्ट बल्ब कमर्शियली सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इसके बाद कई और इन्वेंटर्स ने बल्ब इन्वेंट किए, लेकिन इन बल्ब में फ्लॉज होने की वजह से ये बहुत कम टाइम के लिए जलते थे, और काफी एक्सपेरिमेंट्स के बाद सर एडिसन ने ज्यादा देर जलने वाला बल्ब बना लिया। सन इज येलो कलर्ड। ड्राइंग करते वक्त सन को हम सब येलो कलर से कलर करते थे, क्योंकि हम सब सन को येलो कलर का समझते हैं। नासा का कहना है कि सन सारे कलर्स की लाइट एमिट करता है, इस वजह से सनलाइट को व्हाइट लाइट कहते हैं, और येलो ब्राइटेस्ट कलर होने की वजह से अर्थ से सन येलो कलर का दिखता है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कैन बी सीन फ्रॉम स्पेस। बचपन से हमें ये बताया गया है कि स्पेस से ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दिखती है, लेकिन ये सच नहीं है। चाइना के एक एस्ट्रोनॉट यांग ल्यूवी ने इस बात को खारिज किया कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना मून से नहीं दिखती। इस बारे में टेक्स्ट बुक में चेंजेस करने चाहिए, क्योंकि अभी भी बुक्स में ये फॉल्स फैक्ट मौजूद है। ह्यूमन्स केम फ्रॉम मंकी। ह्यूमन एवोल्यूशन ऐसा प्रोसेस जिससे आज हम ह्यूमन बीइंग्स इस अर्थ पर बने हैं। ह्यूमन्स होमो सैपियंस ऐसे कल्चर बियरिंग स्पीशीज हैं जो सीधे होकर पैरों पर चलते हैं, जो अफ्रीका से करीब 3 मिलियन साल पहले इवॉल्व हुए थे। जूलॉजिस्ट मानते हैं हम ही सिर्फ ह्यूमन ट्राइब्स के ऐसे लिविंग मेंबर्स हैं जो होमो मिनिस से आए हैं। फॉसिल्स के थ्रू होमो मिनिस और एप्स में सिमिलैरिटीज पाई गई हैं, लेकिन अभी भी एप्स और ह्यूमन्स के बीच खत्म हो गई वो सर्टेन स्पीशीज का लिंक मिसिंग है। इन 12 फैक्ट्स में से आप कितने फैक्ट्स जानते थे कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।